है भाई सच में तुम मेरे को आरक्षण दिला रहे और चेतन को डल्ट बाइक का साया कम नहीं हुआ लगता है। तांत्रिक अपने मिशन में कामयाब हो गया जब भी ये हाथ मिट रहा है भाई। डर तो लगता है यार जंगल में आने के बाद और ज्यादा डर लगता है। सुन 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 प्लान है चेतन की बाइक कुएं में डाल देते हैं रस्सी। भाई कहाँ जा रहा तू? आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या तेरे को? जरा सो हे गाइस कैसे हैं सब लोग, वेलकम टू द न्यू डे एंड माय व्लॉग चैनल। अरे भैया चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। चलते हैं कहाँ चलना है? जंगल में। क्यों जंगल क्यों जाना है? और भैया वो तांत्रिक माँ भी तो बोल रही थी कि वो तांत्रिक का वहाँ पे और वो ही सब कुछ कर रहा है। अरे 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 क्या गाइस, ये गाइस हमारे पप्पी ना यूवी के साथ खेल रहा है मस्त। देखो ये देखो ये तो गाइस चलो जंगल चलते हैं और हमारी साइकिल भी लेके चलेंगे क्योंकि काफी दिन हो गया मैं साइकिलिंग करे। अभी ना मैं पार्क से साइकिल भगा तो लाया था और अब फिर रिस्टोर हो गया ये बात सुनकर। चलो गाइस अब सब एक्साइटेड है, आज बहुत दिनों बाद जंगल जा रहे हैं और इसको देखो जूते खा रहा था आपके। अरे वाह वाह काटो 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 गाइस बॉल के साथ ना बड़ा मस्त खेलता है ये। देखो ग्रिप देखो गाइस की, ओ भाई बॉल को छोड़ ही नहीं रहा है। देखो ग्रिप गाइस ग्रिप लगा ली देखो बॉल ऐसा मस्त ग्रिप लगाता है ना बड़ा होने के बाद ना बड़ा खूंखार बनेगा पूरा किलर बनेगा। और भैया आपको पता है ये ना चारों पैर हवा में टांग देता है। भैया अभी मैं खेल रहा था ना इसके साथ जब भी देखा था बहुत मस्त जंप ले रहा था जबरदस्त। थक गया वो तो गाइस फाइनली हम जंगल में आ गए। ये देखो जंगल की एंट्री पे, पर पता नहीं किसी ने झाड़ियां काट दी यहाँ से। हम बहुत दिनों बाद आए हैं, मतलब एक मंथ के बाद आए हैं जंगल में। जंगल ना बड़ा खाली खाली दिख रहा है। ये देखो सामने से भी वो झाड़ियां काट दी किसी ने और वो वहाँ हॉन्टेड ट्री दिख रहा है आपको, वो वहाँ मेरी उंगली के वहाँ। बस यहाँ से भी हॉन्टेड ट्री दिखने लगा बिल्कुल साफ, क्योंकि झाड़ियां ना बिल्कुल खत्म कर दिया है। और चेतन अभी साइकिल लेके जाएगा अंदर। हेलो चलो गाइस चलते हैं अंदर। और गाइस आज हो सका ना हॉन्टेड हाउस तक जाएंगे, वहां तक जाके फिर आएंगे वापस। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस जंगल में आते ना हमें सनसेट देखने को मिला, लेकिन सनसेट बड़ा अजीब दिख रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। देखो गाइस कैसा अजीब सा सन दिख ही रहा है ढंग से। बहुत दिनों बाद आए हैं और वैसे झाड़े काट दिए सारी, क्योंकि झाड़े काट दिए ना तो जंगली जानवर अब कहाँ जाएंगे? ये ना बाहर जंगल के रोड की तरफ आएंगे क्योंकि झाड़े तो बची नहीं है जंगल में। ये आपको नहीं पता मैं मिनी स्टंटमैन हूँ। मिनी स्टंटमैन? फिर तो तेरे लिए एक मिनी RX 100 मॉडिफाई करानी पड़ेगी है ना। हाँ भैया सही है, RX 100 और डर्ट बाइक दोनों लिया। तो गाइस RX 100 और डर्ट बाइक इसके लिए लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए आप लोग कमेंट कर दो। RX 100 आ जाएगी, मैं तो कह रहा हूँ 1 लाख पे लाएंगे RX 100, लेकिन उससे पहले ना मैं रिवील कर दूंगा RX 100 हमारी कैसी है। तो गाइस एक दो दिन में ना आपको RX 100 की वीडियो मिल जाएगी। है भाई सच में तुम मेरे को RX 100 दिला रहा है और चेतन को डर्ट बाइक? कोई नहीं भाई एक दो बार तुझे चलाने को दे दूंगा। RX 100 मेरी है। मेरी है? मेरी है। स्प्लेंडर का क्या करेगा? वो भी मेरी है। और फ्रीडम? वो भी मेरी है। और ये साइकिल? साइकिल चेतन की है। ठीक है तो डर्ट बाइक मेरी है। डर्ट बाइक मेरी है ठीक है, और RX 100 भी मेरी है। गाइस इन दोनों को लड़ने दो, मैं जा रहा हूँ कुएं के पास। गाइस हॉन्टेड कुआ आ गया, काफी दिनों बाद हमने हॉन्टेड कुएं को देखा ना, बड़ा अजीब लग रहा है कि हम यहाँ व्लॉग बनाने आते थे और हमने इतनी सारी चीजें देखी यहाँ पे, तांत्रिक हाथ वगैरह। तो गाइस बहुत दिनों बाद आते हैं तो अजीब लगता है। आप है ना बहुत दिनों बाद किसी जगह जाते हो तो अजीब लगता है, नहीं लगता उसको देख के कि हाँ गाइस हम कभी यहाँ आते थे। भैया हाथ को देखिए कैसा है भाई। मेरा तो मन कर रहा है मैं कुएं को गले लगा। जा लगा ले। हाँ लगा ले लगा ले। वाओ कितने दिनों बाद में लेना। पूछी भी ले ले पूछी, फिर हॉन्टेड फिर चुड़ैल तेरे अंदर आ जाएगी। जा ना जा ना। अरे जा जा कुछ नहीं होता, चुड़ैल के साथ हम दोस्ती कर लेंगे। जा भाई धागा नहीं है। अरे हाँ गाइस तो भूल जाता हूँ, उसके पास धागा नहीं है, मैं धागा बंधवा रखा है। पास गया था तो मैंने सुरक्षा धागा बंधवा लिया था कि मुझे कुछ ना हो। पर तू फिर भी प्रैंक करने के बाद भी धागा बंधवा लिया, तूने प्रैंक में मेरा धागा तोड़ दिया। ओ भैया देखो हाथ बिल्कुल सही सलामत है। नहीं गाइस ये देखो एक हाथ मिट गया, ये हाथ वाली मिट्टी तो सॉल्व नहीं हो रही और एक हाथ मिट भी गया। देखो मतलब बहुत लाइट लाइट दिख रहा है, मैं लोग क्लोज से दिखाता हूँ, ये बिल्कुल लाइट लाइट दिख रहा है, पूरा डार्क है। मेरे को लगता है तांत्रिक का साया ना कम होता जा रहा है इसलिए हाथ मिट गया, और ये हाथ अब भी है क्योंकि ये आशा चुड़ैल का है। भाई मेरे को लगता है तांत्रिक यहाँ जा चुका है लेकिन चुड़ैल का साया अब भी है इसलिए हाथ ना मिट नहीं रहा है और ये हाथ मिट चुका है। तो आज देखते हैं जंगल में, वैसे किसी ने पूरे घास वास काट दिया, देखो जला दिया है। मैं कह रहा था ना जंगल आने के बाद ना मुझे झाड़ियां दिख नहीं रही, लोग हैं झाड़े काट दिया है, जंगल खत्म कर रहे हैं बिल्कुल। भाई तांत्रिक का साया कम नहीं हुआ लगता, तांत्रिक अपने मिशन में कामयाब हो गया जब भी ये हाथ मिल रहा है। भाई मुझे चेतन की बात सच लग रही है, क्या पता है
हाथ जब पूरा गायब हो जाए चुड़ैल सच में आ जाए और ये उसकी कामयाबी हो कि मैं वापस आ गया इसलिए हाथ गायब हो रहा हूँ। गॉयस कुछ नहीं बता क्योंकि शुरू से ना ये मिस्ट्री चल रही है कि तांत्रिक कहाँ से आया, ये हाथ कहाँ से आया, कह रहा था मैंने बलि भी दी है चुड़ैल को वापस बुलाऊंगा। गॉयस कुछ नहीं बता यार ये क्या हो रहा है, ऊपर से जंगल भी काट रहे हैं। वैसे भी हमने रात को आना छोड़ा था क्योंकि रात को हम जब भी आते थे ना हमारे साथ कुछ अजीब अजीब हो जाता था, तांत्रिक आ जाता था। अरे भैया आदि मानव के बारे में तो भूल गए, हाँ गाइस ये सब तो मैं भूल गया था कि काफी दिनों बाद आए ना हम लोग जंगल में, तो गाइस जंगल में आने के बाद ना हमारी पुरानी यादें सब कुछ ताजा हो रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ जंगल में दोबारा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पूरा जंगल एक्सप्लोर करना चाहिए नहीं करना चाहिए हमें। वैसे RX 100 ना सच में आने वाली है, एक दो दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप इस पे ना फटाफट ढेर सारे लाइक कर दो कमेंट कर दो RX 100 के, तो मैं RX 100 की वीडियो जल्द से जल्द ले आऊंगा। भाई मेरा कमेंट ले ले पहले जंगल में आने के, और मेरा RX 100 भी डेथ। गाइस दो कमेंट तो पहले हो चुके हैं, अब आप लोगों की बारी, अगर आप लोग रह रहे हो ना कमेंट करने से फटाफट कमेंट कर दो। गाइस चेतन तो थक गया है इसलिए साइकिल उसने मेरे को दे दी, भारी इतनी है भैया और ऊपर से घर पे भी इतनी ज्यादा भगाई है। गाइस साइकिल लेकर इतनी दूर दूर चला जाता है, पार्क से चला जाता है, स्टेशन तक चला जाता है, बहुत दूर दूर तक ले जाता है। गाइस कमेंट करके बोलो ऐसा गलत है, एक अकेला कहीं ना साइकिल लेके ना जाए। ये देखो कैसे चल रहा है, वो क्या था चिड़िया आती है, डर क्यों गया भाई? डर तो लगता ही है जंगल में आने के बाद, और ज्यादा डर लगता है भाई। मेरे को एक आइडिया आया है अभी, तू आइडिया, तुझे भी आइडिया आते हैं? स्टेशन पे क्या करेंगे, भीख मांगेंगे या भेलपुरी बेचेंगे? अरे भेलपुरी का तो मस्त आइडिया, कमाई भी हो जाएगी। चलो गाइस मैं अपनी साइकिल ले चलता हूँ, इसकी बात तो ध्यान नहीं देते हैं। वैसे चैलेंज तो अच्छा है भैया, चैलेंज चुलेंज छोड़ो, हमारी साइकिल को ना भैया के पास मत छोड़ो, मुझे भैया की नीयत ठीक नहीं लग रही थोड़ी, चुरा के भागूंगा। चलो गाइस अब आगे चलते हैं, ये रास्ता ऊपर का है और ये रास्ता नीचे का, यहाँ ना चोर मिलते थे उस दिन हमारे कमांडो चुरा ली थी, RX 100 आने वाली है तो मैं और एक्साइटेड हूँ। चलो गाइस अब चलते हैं पहाड़ी वाले रास्ते पे। और तुम मुझे साइकिल दे देना, पीछे तुम्हारा व्लॉग बनाऊंगा। ये तो और मस्त आइडिया है भाई, हम तो भैया छूट गए, चेतन आगे भी चला गया कब से। अरे क्या भैया क्यों डरा रहे, आ जाओ जल्दी जल्दी। चल भाई तू क्यों बैठ गया, आराम भाई चल। चलो भाई चलते हैं, गिर जाता भी मैं आपके चक्कर में। देखो भाई वो बच्चा है, मैं देख के आता हूँ। क्या देख के आएगा कि वो क्या कर रहा है? चल ठीक है मैं इतना रेस्ट कर लेता, तू देख क्या भाई। सुन 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 प्लान है चेतन की, भाई कुएं में डाल लेते हैं, मैं रस्सी भी लेके आया हूं। ये कब लाया तू, मैंने तो देखी नहीं, और चेतन जा चुका वहां पे। सही है यार चेतन के साथ प्रैंक कर देते हैं, चले। हाँ चल चलो भाई चलते हैं, चल जल्दी निकाल रस्सी निकाल ले, बांध दे साइकिल को, इस वाले कुएं में डालेगा। हाँ इतनी देर से तो यही इंतजार कर रहा था क्या? अभी तो यार मैं रस्सी छुपा छुपा के ला रहा था। अच्छा चलो भाई इतने वो आता है ना, इसकी साइकिल ना इसको कुएं के अंदर डाल देते हैं, फिर कहेंगे इसकी साइकिल कुएं के अंदर गिर गई। चलो सर ये कुआं तो बहुत गहरा है, मुझे तो ऐसा लगता है इसमें साइकिल जाएगी नहीं क्योंकि रस्सी छोटी पड़ेगी। गाइस मुझे डर लग रहा है, कुआं देखो इतना इतना गहरा है। अरे भाई पहुंच जाएगी देख। ओ भाई पूरी नीचे तक, भाई मुझे डर लग रहा है यार, हमारी प्यारी साइकिल कोई नीचे डालने की बोल रहा है, ऐसे बोला चेतन के साथ प्रैंक करें, और चेतन देखो वहां घूम रहा है। चलो गाइस फटाफट काम करते, कुएं के अंदर डाल देते साइकिल को। चलो भाई पसीने आ गए, साइकिल अच्छे से बांध लिए, काम करते हैं तो कुएं के अंदर डाल देते हैं। चलो हमने यार रस्सी से अच्छे से बांध दिया, चेतन वहां गया हुआ अंदर घूमने, तो गाइस ये देखो ऐसे कर रहे और कुएं में लटका दिया इसको। ऑल सेट? यस सर। चलो गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ, हमें ज्यादा अंदर में डाल लिया क्योंकि साइकिल खराब हो जाती ना, स्क्रैच वगैरह लग जाती है प्रैंक के चक्करों में, तो हमारा नुकसान हो जाता, क्यों नुकसान करना। तो गाइस हमने इसको ऐसे बांध दिया यहाँ पे, लेकिन लेकिन अच्छे से बांधा, एक काम करते चंद्र के पास चलते भाग भाग के, क्योंकि चेतन तेरी साइकिल कुएं में गिर गई, कुएं में गिर गई। चलो गाइस चलते हैं, चले। चेतन 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 अरे चेतन, अरे यू ने तेरी साइकिल कुएं के अंदर डाल दी, चला रहा था कुएं के अंदर फेंक दी इसने भाई, गलती से गिर गई। ओ भाई क्या पागल हो गया, मेरी साइकिल फेंक दी। चलो गाइस चलते हैं, लगता है प्लान सक्सेसफुल रहेगा। चलो गाइस चलते हैं, ओ कहां भाग, चेतन रुक जा, कहां भाग के चला गया अकेला अकेला। चलो गाइस चलते हैं, अरे आप
कर। चेतन कोई नहीं, डर्ट बाइक दिला दूंगा भाई। मुझे डर्ट बाइक चाहिए, कुछ भी चाहिए, पर मुझे साइकिल चाहिए। चलो गाइस चलो यार चलते हैं। भाई ये क्यों लटका दिया आप पे? सही है ना, यहाँ मस्त लटका दिया, अब यहीं छोड़े चले जाएं, कल लेने आएंगे। अरे भाई ये तो और मस्त आजा चलते हैं। नहीं मैं तो अपनी साइकिल निकालूंगा, चोर ले गए तो मेरी साइकिल आके। वैसे भी तांत्रिक का झमाला खत्म नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं, चल हम हॉन्टेड हाउस में घूम के आते हैं, इतना फिर आके निकाल लेंगे। चल नहीं मुझे नहीं पता, मुझे अभी लेनी है साइकिल। अरे चल ना। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे अभी लेनी है। अरे हम लोग जा रहे हैं, चल चलियो। अगर मुझे मेरी साइकिल नहीं मिलेगा तो मैं साइकिल के साथ कुएं में कूद जाऊंगा। और नहीं नहीं पागल लड़का, मारेगी मम्मी मेरे को। ना भाई मैं निकाल रहा हूँ, ऐसा मत कर, निकाल रहा हूँ। बहुत प्रैंक वाले बनते हो ना, मैं अभी बताऊंगा आपको। अरे ये प्रैंक मेरा नहीं, ये प्रैंक यूवी का था। अच्छा यूवी का था, अभी धक्का मार के आता हूँ। अरे नहीं नहीं गिर जाएगा। पागल है क्या, गिर जाऊंगा यार, माना कर निकाल रहा हूँ साइकिल, निकाल रहा हूँ। गाइस अब इनकी मस्ती चलती रहेगी, एक काम करते हैं अब ना हॉन्टेड हाउस से चलते हैं, वैसे अंधेरा होने वाला है, देखते हैं हॉन्टेड हाउस पे कुछ है या नहीं है, क्योंकि काफी टाइम होगा हॉन्टेड हाउस पे गए तो, मुझे 3-4 महीने हो गए। चलो गाइस चलते हैं अभी हॉन्टेड हाउस पे साइकिल निकाल के। गाइस मेरी तो हालत खराब होगी कुएं के अंदर साइकिल डालने में, देख रहे हो। और तेरी? मेरे खुद की यार, ये प्रैंक हम पे ही भारी पड़ गया। आप रोगे साइकिल में, मैं रिवेंज लूंगा। देख लेंगे। अभी चल रहे हैं हम हॉन्टेड हाउस की तरफ, और अभी 8 बजने वाले हैं रात के। चल आजा। बच्चा हमसे क्या रिवेंज लेगा बता। चलो गाइस अभी हॉन्टेड हाउस पे चलते हैं। बच्चा बोल रहे हो मुझे? बच्चा नहीं मैं, आपका भी दादा का भाई हूँ मैं, ठीक है। गाइस कहाँ ले गया साइकिल को, अब तक घिसड़ा रहा था, फिर बोला आई ला मैं घिसड़ा कुरा हूँ, मैं चला सकता हूँ, चला के ले गया। इसको देखो गाइस बीच में ऑफ रोडिंग करा चल रहा है, ना इधर चल रहा है ना उधर चल रहा है, बीच में जो उबड़ खाबड़ है ना वहाँ चल रहा है, मस्त ऑफ रोडिंग कर रहा है, वहाँ से करता हुआ है। ये देखो पूरा रास्ता ऐसे बीच में से ऐसे है ना, वहाँ से ऑफ रोडिंग करता हुआ है और वहीं जा रहा है, देखो कैसे। अरे तू वहां को चढ़ गया? मुझे लगा नीचे ज्यादा गहरा नहीं है, कूद जाऊंगा। ओ भाई देखो कितना गहरा है, यहाँ पे खंडर हुआ पड़ा है बिल्कुल, ऐसा यहाँ शायद कोई नहीं आता, देखो कितने ऊंची ऊंची ऐसे हैं, और अभी अंधेरा भी होने वाला है, मुझे डर भी लग रहा है कहीं हमारे साथ ना कुछ हो ना जाए। अरे लेजी बॉयज, चलो गाइस चलते हैं, फटाफट जाओगे फटाफट वापस आ जाएंगे। ये देखो कैसे भाग गए, देखो। अरे क्या होगा, रुक क्यों गया तू? ओ भाई वो दिख रहा सामने, वो वहाँ वो हॉन्टेड हाउस है। तू पहली बार आ रहा है हॉन्टेड हाउस पे? हाँ बहुत दूर है यार। गए सच में बहुत दूर है, एक काम करते फटाफट जाएंगे, देख के कि वहाँ कुछ है या नहीं, वापस आ जाएंगे। चले ये हो गया ऑफ रोडिंग, गिर गया, ये ऑफ रोडिंग सक्सेसफुल। एक दो बार गिरता हूँ, इसके पास साइकिल है ना इसलिए कह रहा है, पैदल ये भी ऐसे बोलता है नहीं भैया वापस चलते हैं। अच्छा देखो क्या ऑफ रोडिंग करता घूम रहा है यहाँ पे, और सामने बिल्कुल हॉन्टेड हाउस है, ये देखो कोई बिल्कुल हमारे सामने हॉन्टेड हाउस है, लेकिन अब यहाँ से भी ना झाड़िया वाड़िया सब कुछ काट दिया, सारा साफ कर दिया, देखो सारा ग्राउंड साफ कर दिया, अभी अंधेरे में आया ना इसलिए हमें दिख नहीं रहा है, और इसकी तो हवा टाइट हो गई। तुम जाके आओ मैं यहीं बैठा हूँ। अरे चल ना चलो गाइस वहाँ चलते हैं, देखते हो अभी यहाँ ना कुछ है या नहीं है, उस दिन तो हम आए थे ना अजीब सा, मतलब वाइब्स अजीब आ रही थी, अभी देखते हैं वहाँ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई देख अब अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है, सुनो। अरे भाई कहाँ जा रहा तू? भाई आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही क्या तेरे को? यार अजीब अजीब आवाज़ आ रही है वहाँ से, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, वो पता नहीं अजीब सी। अरे पागल वो बच्चा है वो। गाइस मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं जा रहा आगे, किसी दिन में आएंगे, इसलिए जंगल में ना अंधेरा होने के बाद नहीं रुकता हूँ। चलो चलते हैं। अरे मेरे को तो ले चलो, तुम दोनों जा रहे हो साइकिल पर अकेले अकेले, भाई मैं भी आ रहा हूँ। चलो भाई चलो यार अब से तो घर जाएंगे। भाई जल्दी जल्दी चलो यार, अपनी रुक रहे जंगल में, रास्ते में हॉन्टेड ट्री आएगा, और सबसे पास से तो हॉन्टेड कुएं के पास से गुजरना है यार। अरे यार अंधेरा हो गया, 8 बज गए, 8 नहीं 8:30 हो गए रात के। चलो भाई पूरा जंगल में अंधेरा अंधेरा हो गया, कोई यार जंगली जानवर ना अटैक कर दे हम पे। ये देखो बिल्कुल सुनसान कैसा लग रहा है, कैप्चर भी नहीं हो रहा, इतना अंधेरा हो गया। फटाफट चलो भाई, वो पीछे से ऐसी खतरनाक आवाज आ रही थी, जल्दी चल यार कहीं पीछे ना लग जाए। तू तेने काम कर साइकिल भगा ले तू, हम भी भाग भाग के आ रहे हैं, चल जल्दी चल चल भगा ले, चल भाई भी भाग। चलो भाई कैसे कुआ आ गया हॉन्टेड, और सीधा घर जाके मिलेंगे, देखो बाय बाय कुए। चल भाई चल चल जल्दी चल, बाय बाय हो रही है, चल ना यार। चलो यार जल्दी चलो, अब सीधा घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। चलो देखो कितना खुश हो रहा है, ये जो मुझे देख कितना खुश हो रहा है, खेल रहा है मेरे साथ, ये देखो। नो। तो गाइस हम आ गए अभी घर, आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे न्यू डे न्यू ब्लॉग। आ कर ले कर लिया।
तो गाइस कल मिलते हैं आपसे न्यू डे न्यू ब्लॉग के साथ। अभी मैं खाना खाऊंगा और मैं इसको डांट देता हूँ, देखो वहां जाकर छिप जाता है, चुपचाप बैठ जाएगा, वापस आ गया। नो नो देखो गाइस मेरी सारी बात मानता है ये, मस्त अब चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ नहीं कहेगा। देखो मैं बैठ गया चुपचाप, ऐसे मैं इसको डांट देता हूँ तो कुछ नहीं कहता। तो गाइस कल मिलते हैं न्यू डे न्यू ब्लॉग के साथ। आज मैं करूंगा अभी एडिटिंग, फिर मैं खाऊंगा खाना। तो बाय बाय, टाटा।